सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा पंडित सुखराम के परिवार को गद्दार बोलने पर राजनीति गरमा गई है। सीएम द्वारा लगाए गए गद्दारी के आरोप का जवाब पंडित सुखराम के पोते आशीष शर्मा ने दिया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आशीष शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम और उनका परिवार गद्दार नहीं है, बल्कि खुद सीएम वीरभद्र सिंह गद्दार है। आशीष शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हमेशा अपनी पार्टी के लोगों के साथ गद्दारी की है। जिसने भी वीरभद्र सिंह का साथ दिया उसे वीरभद्र सिंह ने हमेशा इस्तेमाल किया और उसके कंधे पर पांव रखकर ऊपर बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम के परिवार ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और पार्टी में रहते हुए हमेशा वीरभद्र सिंह ने गद्दारी की है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हमने गद्दारी की है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि हमने गद्दारी नहीं की है, पंडित सुखराम परिवार ने गद्दारी नहीं की है। गद्दारी करने वाले राजा वीरभद्र सिंह जी हैं और इन्होंने गद्दारी की भी है तो कांग्रेस के जो पुराने स्तंभ थे उनके सर पर रख के उनके कंधों में चढ़कर अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया है। हमेशा जो कांग्रेस में एक तानाशाही का करने का प्रयास किया है और जो हमारे पुराने स्तंभ थे, चाहे वो डॉक्टर परमार का परिवार था चाहे पंडित सुखराम का परिवार था, आज वो दोनों ही परिवार कांग्रेस का हाथ छिटक कर भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। आशीष शर्मा ने सीएम द्वारा पंडित और मुसलमान को लेकर मजाकिया अंदाज में कही बात पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की। आशीष शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह खुद कहते हैं कि वे धर्म और जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, जबकि वह खुद ऐसी बातें करके यह दर्शा रहे हैं कि धर्म और जाति की राजनीति उनसे ही शुरू होती है। उन्होंने वीरभद्र सिंह द्वारा की गई इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लेने की मांग भी उठाई है। मुख्यमंत्री जी जातिवाद और धर्मवाद को बटाने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न मंचों से इनको इन समुदायों को उठाने का प्रयास करते हैं। पहले उन्होंने पूर्व में एक गद्दी समुदाय का भी बात उठाई थी जिसके लिए बड़ा विरोध हुआ प्रदेश स्तर पर। रिपोर्ट केशरण।